मॉर्निंग एवरी वन, आई एम मिसेस पार्वती कुमारी. टुडे इज 16th डे ऑफ ऑनलाइन क्लास फॉर इंटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. बच्चों, पिछले क्लास में मैं चैप्टर 4 से जैन धर्म किस प्रकार महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद दो खंडों में विभक्त हो गया यानी बट गया, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर के बारे में पढ़ चुके हैं. आज मैं आप लोगों को जैन धर्म के प्रसार या प्रचार के बारे में बताऊंगी. जैन धर्म का प्रसार. महावीर स्वामी द्वारा निर्मित गंधर्व समूह के तहत जैन संघ ने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अर्थात गंधर्व समूह के द्वारा जैन धर्म का प्रसार हुआ, यानी ये गंधर्व समूह द्वारा जैन धर्म के प्रसार में महावीर स्वामी को काफी सहयोग मिला. इससे पूरे भारत में यह धर्म तेजी से फैला. महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्ति के समय इस धर्म के अनुयायी या इस धर्म के मानने वाले की संख्या लगभग 14,000 थी. 14,000 थी. उनके समय ही यह धर्म मगध वर्तमान पटना को कहा जाता है, कोसल, विदेह एवं अंग राज्य में फैल गया. दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को जाता है. ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को जाता है. इसके प्रसार के निम्न कारण थे. पहला, राजकीय संरक्षण. पहला पॉइंट है राजकीय संरक्षण अर्थात राजाओं का संरक्षण. राजाओं का इस धर्म के प्रति आश्रय देना. हरेक वंश के बिंबिसार अजाद शत्रु उदाइन. हरेक वंश के बिंबिसार अजाद शत्रु उदाइन मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार एवं कलिंग अर्थात उड़ीसा राज खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे या मानने वाले थे. इस प्रकार राजकीय संरक्षण का होना इस धर्म के प्रसार में सहायक हुआ. अर्थात राजाओं का संरक्षण इस धर्म के प्रसार में सहयोग हुआ. दूसरा है बोलचाल की भाषा का प्रयोग. दूसरा पॉइंट है बोलचाल की भाषा का प्रयोग. इस धर्म के सिद्धांत साधारणतः बोलचाल की भाषा अर्थात जैन धर्म की बोलचाल की भाषा थी प्राकृत. ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म की प्रचार की भाषा थी प्राकृत. प्राकृत जो जनसाधारण की भाषा थी, सभी इसे आसानी से समझ लेते थे. अर्थात भाषा की सहजता के कारण भी लोग जैन धर्म की ओर आकृष्ट हुए. जैन मुनि साधारण भाषा में ही उपदेश देते थे. कई बार प्रश्न पूछा गया है जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो बच्चों जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत. तीसरा पॉइंट है
सामाजिक समानता, तीसरा पॉइंट है सामाजिक समानता। महावीर स्वामी ने जाति पाति का घोर विरोध किया। धर्म के द्वार सभी वर्गों के लिए व स्त्रियों के लिए भी खोल दिए, अर्थात प्राचीन धर्म वैदिक धर्म में जाति पाति की भावना से लोग त्रस्त थे। ऐसे समय में जैन धर्म का प्रवेश पाना लोगों को लाभप्रद साबित हुआ। महावीर स्वामी ने जैन धर्म सभी के स्वीकारोक्ति के लिए खोल रखा था, जिससे लोग इस धर्म की ओर आकृष्ट हुए, यानी कोई भी जाति का व्यक्ति जैन धर्म अपना सकता था। इसके अलावे स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में निषेध था, परंतु महावीर ने स्त्रियों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाया। जैन धर्म यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म की समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।